जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही था कि WhatsApp ने अपने टर्म एंड कंडीशन को चेंज कर लिया है और अपने टर्म एंड कंडीशन के बारे में हमारी गवर्नमेंट को सुनाया, तो हमारी गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि सर इसके लिए मुझे कुछ दिनों के लिए टाइम चाहिए। तो WhatsApp ने क्या किया था, 15 मई तक बोला था कि अपने टर्म एंड कंडीशन को मैं लागू कर दूंगा, आपको जवाब दे देनी है। ठीक, देखिएगा कुछ लोगों के पास है टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए कुछ इस तरह से आता होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, जैसे आई एग्री कर लोगे इसका मतलब उसके टर्म एंड कंडीशन को आपने क्या किया एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको करना नहीं है। अगर कर भी लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हमारी सरकार अप्रूवल नहीं देगा तब तक वो अपने टर्म एंड कंडीशन को लागू नहीं कर सकता है। जैसे ही दोस्तों 15 मई होने को आया, WhatsApp ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट से फिर से बात करने आया और बोला कि सर 15 मई हो चुका है, क्या मैं अपने टर्म एंड कंडीशन को लागू कर सकता हूँ। तो जानते हैं सरकार क्या जवाब दिया, कि नहीं बेटा मैं तुम्हारे टर्म एंड कंडीशन को नहीं एक्सेप्ट करता हूँ, अब मैं तुमको टाइम देता हूँ 5 से 7 दिनों के लिए। यानी कि आज तक टाइम दिया था कि अपने टर्म एंड कंडीशन को चेंज करो और नहीं तो यहाँ से चलते बनो। तो हो सकता है कि दोस्तों WhatsApp, Facebook और Twitter तीनों का तीनों हमारे इंडिया से बैंड होने वाला है, तो इसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। आप WhatsApp छोड़ के टेलीग्राम या फिर संदेश या फिर एक और एप्लीकेशन है सिग्नल, कोई भी तीनों में से यूज कर सकते हो, हमारे लिए सेफ और 100% सिक्योर है। चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं नया अपडेट के साथ। थैंक यू।